अब बाबूलाल मरांडी जी क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, बाबूलाल मरांडी जी के समय में सभी लोग जितने भी सभी लोग सिर्फ मंदिरों और मस्जिदों में नज़र आते थे, ऐसा अगर बाबूलाल मरांडी जी भी शुरुआत झारखंड का जब जिस समय हमारे राज्य अलग हुआ उस समय शुरुआत सबसे पहले मुख्यमंत्री थे उनके समय में लोग सभी साधु संत हो गए थे। अपराधी अपराध कर जाते हैं अपराधी, अब लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे राज्य में जब भी इस तरह की कोई घटना हुई है तो त्वरित उसका उद्भेदन हुआ है, अपराधी जेल के सलाखों के पीछे पहुंचे हैं और स्पेशल कोर्ट में एक्सपेडाइट ट्रायल करा के अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। और यहाँ भी जो अपराध आज हुए हैं उसकी हम घोर निंदा करते हैं, भत्सना करते हैं और ऐसे अपराधी को हम चेतावनी देते हैं आपके माध्यम से कि इस राज्य में आप अपराध तो कर लोगे लेकिन आजीवन सलाखों के पीछे रहोगे। ये भी सरकार का कहना है कि आपके लोग ही सुरक्षित नहीं है, गढ़वा में जिस तरीके से आपके ही पार्टी के एक नेता को गोली मारकर हत्या की गई कर रहा है। तो कहा मैंने ये अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, अपराधी कोई दल नहीं देखते हैं और वही उसी का परिणाम है कि गढ़वा में हमारे वरिष्ठ नेता हमारी पार्टी के केंद्रीय सदस्य की कल निर्घृण हत्या हो गई। और हम लोगों ने हमारा भरोसा है अपने पुलिस प्रशासन पर अपने प्रशासन पर और आप देखेंगे कि एक दो दिनों के अंदर उद्भेदन होगा और जो अपराधी हैं जो साजिश करता है वो सारे जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे और उन्हें त्वरित कार्रवाई करते हुए त्वरित उन्हें सजा दिलाने का काम हम लोग सब मिलकर और न्यायालय पर हमें ये है न्यायालय में भी एक्सपेडाइट ट्रायल करा के लोगों को सजा दिलाने का काम करेंगे। ऐसे कई मामले आ रहे हैं आज मेन रोड की घटना हुई। अरे मैंने कहा बार बार मैं कह रहा हूँ बार बार कह रहा हूँ कि अपराधी अभी तक फरार है, आज की घटना है। नहीं नहीं, तीन महीने पहले भी एक जेवर व्यवसायी को गोली मारी गई थी, मौत हुई थी, वो भी नहीं पकड़े गए अभी तक। सर ये प्लान तो होना चाहिए। फिर दुमका की घटना की बात क्यों नहीं करते हैं, फिर दूसरी घटना की बात जो जनमुंडी में हुई उसकी बात क्यों नहीं करते हैं कि अपराधी 24 घंटे के अंदर पकड़े गए। अब कहीं किसी को जो निर्दोष है उनको पकड़ के जेल की सलाह के पीछे डाल दिया, अपराधी घूमते रहे, अगर ऐसा कोई चाहता है तो फिर तो अलग ही उसका ये होगा। चलिए सवाल है, सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है, बीजेपी का कहना है कि सरकार अगर अपनी उपलब्धि बताएगी तो महिलाओं के खिलाफ बीजेपी को उपलब्धि बीजेपी को हम उपलब्धि बताने नहीं, अब बीजेपी को उपलब्धि बताने के लिए नहीं है, हम जनता को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं और जनता हमारी उपलब्धियों को सर आंखों पर ले रही है। आप देख रहे हैं कि जितनी भी आज तो विपक्ष के लोग दबी जुबान कह रहे हैं ये बात कि अब हमारे लिए कहीं कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, जितना इस 3 साल में इन विपरीत परिस्थितियों में हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं आज उनका हाथ खाली हो गया है, वो बेवजह का आरोप लगा रहे हैं। आज जनता आज चुनाव हो जाए तो इन लोग पहले 25 आए था और आज 5 के भी लाले पड़ेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।